नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। जानेंगे इस वीडियो में ये 10 नए वेटलैंड्स कौन कौन से हैं और साथ ही साथ इनसे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सबको भी देखेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल भी आपको वीडियो के आखिर मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। असल में अभी हाल ही में भारत सरकार ने 10 नए वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया और इस 10 नए वेटलैंड्स के शामिल होने के साथ ही भारत में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। पहले ये 54 थी, अब बढ़कर 64 हो गई है। और इस 64 रामसर साइट्स के साथ ही भारत ने चीन में मौजूद टोटल रामसर साइट्स की भी बराबरी कर ली है। इसके साथ ही साथ ये जो 10 नए रामसर साइट्स हैं इनमें 6 तमिलनाडु से जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक एक रामसर साइट्स को शामिल किया गया है। यह कुल 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा इस स्थलों को नामित करने से इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन तथा उनके संसाधनों का उचित उपयोग करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा आइए जानते हैं ये 10 नए रामसर साइट्स हैं कौन कौन से। इनमें सबसे पहले तमिलनाडु के 6 हैं जिनमें कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, इसके अलावा मन्नार की खारी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, वेदांत थंगल पक्षी अभयारण्य और साथ ही साथ उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य है। इसके अलावा ओडिशा से सतकोशिया कंठ, गोवा में नंदा झील, कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश में सिरपुर आर्द्र भूमि है। तो ये कुल 10 वेटलैंड्स हैं जिन्हें अभी हाल ही में शामिल किया गया है रामसर साइट्स में। गौरतलब हो कि पिछले महीने ही रामसर सूची में 5 वेटलैंड्स को शामिल किया गया था। ये 5 वेटलैंड्स थे कौन कौन से, इनमें तमिलनाडु के 3 वेटलैंड्स थे। ये 3 कौन कौन, इनमें किरीकिली पक्षी अभयारण्य, इसके अलावा पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरन मैंग्रोव था। इसके अलावा मिजोरम से 1 जिनमें पाला वेटलैंड्स और मध्य प्रदेश से 1 जिनमें सांख्या सागर था। अच्छा, इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आइए जानते हैं क्या है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन असल में आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उसके सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और इस संधि पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किया गया था और इसी अवसर पर हर वर्ष 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे भी मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ भारत इस कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर कर शामिल हुआ था। इसके अलावा आइए जानते हैं रामसर साइट से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले इसके अंतर्गत पूरे विश्व में कुल मिलाकर तकरीबन 2400 से भी अधिक रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला रामसर साइट कौन सा था, यह था कोबर्ग पेनिनसुला जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके साथ ही साथ दुनिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है, यह है यूनाइटेड किंगडम जहां सर्वाधिक यानी 175 रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा भारत का सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है, यह है चिलिका लेक, ये असल में उड़ीसा में है और साथ ही साथ केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। असल में इन दोनों ही को यानी चिलिका लेक और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान इन दोनों ही को वर्ष 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं यह कौन सा है, यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, यह है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। असल में जो सुंदरबन है इसे वर्ष 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। साथ ही साथ जो सुंदरबन है यह तकरीबन 4230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, यह है हिमाचल प्रदेश का रेणु वेटलैंड्स। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है और साथ ही साथ ये जो रेणुका वेटलैंड्स है इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा 10 नए रामसर साइट्स के बारे में, इसके अलावा जाना रामसर कन्वेंशन क्या है और साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को भी हमने यहां पर डिस्कस किया। आइए अब चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंदा झील किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आपने हमें करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आज का हमारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।